सुबह सुबह का वक्त है और मैं फ्रेश अप हो चुकी हूँ. फ्रेश अप मीन्स फेस को धुला के चमका चुकी हूँ. अभी कपड़ा पहनना बाकी है. यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे बोरदुमसा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं अपडेट करूँगी बाद में. तो रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलेंगे बोरदुमसा के लिए. और वहाँ क्यों जा रहे हैं मैं बताऊँगी बाद में. और पीछे है जैक का मम्मी, वो जा रही है चर्च और हम लोग जा रहे हैं बोरदुमसा. तो वहाँ क्यों जा रहे हैं क्या है बाद में टीम को मिला के बताऊँगी. और जैसे कि आप लोगों को पता ही था लास्ट वाला व्लॉग में हमने देखा कि हम लोग ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोवर्स को हम लोग ने सेलिब्रेट किया था. तो बने रहिए, मैं बात बताऊँगी वहाँ पहुँच के कि हम लोग क्यों जा रहे हैं बोरदुमसा. ठीक है, पहुंच गए बोरदुमसा गोजू गांव में. और यहाँ पे एक भाई है, उसका बाल का कटिंग घुस गया. जेम्स जेम्स काम काम जेम्स जेम्स काम काम. तो हम लोग पहुंच गए हैं गुमसोंग के घर पे. ये है गुमसोंग का घर और पीछे में है जेश जैक और कहा गया कोंग खाम. यहाँ है कोंग खाम. तो वो कहीं गया है, वो आ रहा है अभी वापस. तो एक्चुअली मैं हम लोग बोरदुमसा इसीलिए आए हैं क्योंकि आज के दिन हमारा जो चैनल है अरुणाचल टीवी न्यूज़ चैनल, उसका जो TLC एरिया के लिए हम लोग आज ऑफिस का ओपनिंग होगा बोरदुमसा पे. तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं. कल हमने सेलिब्रेट किया था 2 लाख सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोवर्स ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. वो तो आप सबके बिना होना नहीं था, इसलिए थैंक यू सो मच. और आप सबके दुआ और आप सबके प्यार के बदौलत आज हम लोग TCL एरिया चांगलांग बोरदुमसा में हमारा यहाँ TCL एरिया के लिए ब्रांच ऑफिस का ओपनिंग होने वाला है आज. तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं. और घर का अंदर बैठने के लिए बोला था लेकिन बाहर ही ठीक लग रहा है तो इसलिए बाहर में ही रह रहे हैं. मैं आप सबको थोड़ा सा घर को दिखाती हूँ. ठीक है, नहीं है मालिक नहीं है, फिर भी ये है हमारा यहाँ का करस्पोंडेंट का घर गुमसोंग. और बैकयार्ड उनका बहुत बड़ा, बेटल नट तामूल का गच्ची है यहाँ पे. और इनका बैक साइड ये एरिया है. और अभी हम लोग यहाँ में ठहरे हैं. अभी आप सबको मैं ये दोनों से मिलाऊंगी. यहाँ मुरो दोनों बताओ कैसा लग रहा है. नहीं इसके लिए नहीं, आज TCL एरिया ब्रांच ऑफिस खुल रहा है तो कैसा लग रहा है इसके बारे में आपको जरा जानकारी ऑफिस पे ही दूंगा जब इन्हें. सही सही, तुम तो कुछ बोलो. मेरे लिए तो सामने है नमसाई से. नमसाई का तो ऑफिस ऑलरेडी देना, यहाँ के लिए कैसा लग रहा बताओ. यहाँ होना जो जरूरी था ना, एक ऑफिस होना जरूरी है वो भी एक ऑफिशियल काम करने के लिए. एक जगह अच्छा कहीं ऑफिस होने से तो ठीक है. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गुजू पे आए बोरदुमसा में, जो आज हम लोग यहाँ ब्रांच ऑफिस अपना ऑनरशिप टूडे न्यूज़ चैनल का यहाँ पे आप आज इनॉग्रेशन करेंगे. हम लोग इतना ही बोलेंगे, बाद में और भी बोलेंगे बाद में. तो ये था ये दोनों. सर ये टी गार्डन किसका होता होगा ना, उन लोगों का ही है ना. गुमसोंग का यहाँ पे टी गार्डन भी है, काफ़ी बड़ा है. अभी गुमसोंग के लिए हम लोग रुकेंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे. वहाँ पे इनॉग्रेशन जो भी हम लोग करेंगे उस समय को आप सबको मिलूंगी मैं फेस है. ठीक है, अभी के लिए हम लोग भी इसका घर का चक्कर अच्छा से मार लेंगे और देखेंगे क्या क्या लगा है. क्योंकि यहाँ पे बीटल नट यानी कि तामूल का है, चाय का टी गार्डन है और बहुत सारा क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग देख लेंगे. तो आज के ऑफिस में बट अभी तक इनोग्रेशन नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं अभी आप सबको ऑफिस नहीं दिखाऊंगी. बट
बाद में दिखाऊंगी जब इनॉग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इनॉग्रेशन हो चुका है एंड जो लोग भी बोरडुंगसा एंड नियर बाई एरिया में रहते हैं तो एनी काइंड ऑफ लाइक आप लोग प्रोग्राम वगैरह या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप चाहिए आपको चाहिए तो जो बोरडुंगसा टाउन में ओल्ड टाउन कैफे रेस्टोरेंट है वहीं पे ही ऑफिस है जो मैं अभी आप सबको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं सो हैप्पी एंड ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा सभी के। ये है रिसेप्शन टाइप का और ये है ऑफिस प्यार से बनाया है एंड देन यहाँ से स्टूडियो बैठा हुआ है तो जितना भी बोरडुंगसा इन एरिया का लोग हैं उन लोग यहाँ पे अभी कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी कवरेज वगैरह के लिए। और ये है भाभी तो हो चुका है अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे पीछे में बैठा हुआ है सभी और हम सब बात करेंगे ताकि वो कैसा लग रहा है बताओ कैसा लग रहा है ऑफिस खुल गया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज बोर्डिंग सामने हम लोग ब्रांच ऑफिस खोला है नचत देखा अभी देखो गुमसोंग का बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा इसमें और मैं इसके साथ में था इस तरीके से हम दोनों ने आज जो ऑफिस खोला है तो बहुत बहुत थैंक्स एक्चुअली थैंक्स मैं हमारे सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगा क्योंकि उन अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं होते तो सबको दिल से थैंक यू कीप सपोर्टिंग अस। गुमसोंग भी आएगा गुमसोंग को भी मिलाएगा क्योंकि गुमसोंग का सबसे बड़ा हाथ है क्योंकि हम लोग का भी कोई नहीं है गुमसोंग भी आएगा मैन बिहाइंड दिस ऑफिस गुमसोंग बताओ कैसा लग रहा है हेलो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश है कि अरुणाचल प्रदेश का और एक घर मतलब ऑफिस हो गया है हमारा अभी तीन ऑफिस बन चुका है हमारा और भी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बनेगा और अब और ढेर सारा सब्सक्राइबर और आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को आप लोग बहुत पसंद करते हैं और इसी तरह पसंद करते रहिए प्यार देते रहिए और बस आज बहुत खुश हो कि हमारा बोर्डिंग एक ऑफिस ब्रांच ऑफिस हो गया है थैंक यू सो मच इसका ही हाथ है हमारा कोई हाथ नहीं है। तो हमेशा से हमारा यही मोटिव था और हम लोग यही करते आए हैं एंड यही करते रहेंगे एंड आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे प्यार करते आए हैं ऐसे ही प्यार करें तो अभी फंक्शन तो हो चुका है अभी क्या नेक्स्ट प्लान है मुझे पता नहीं लेकिन देखेंगे अगर अच्छा कुछ हुआ तो मैं बताऊँगी आप सबको ठीक है एंड वंस अगेन दिल से थैंक यू जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी सपोर्टर्स हैं आप सबका प्यार और सपोर्ट के लिए ऐसे ही करते रहिएगा। तो अभी हम लोग खाना खाने आए हैं बोरडुंगसा का क्या है ये चांगर में चांगर है मैं आप सबको दिखाती हूँ अभी रुक जाओ और आरा सैंग रेस्टोरेंट बोरडुंगसा में रेस्टोरेंट में आए रेस्टोरेंट देखते हैं कैसा मिलता है चलो चलो ये है अंदर और यहाँ पे लिखा हुआ है कैश पेमेंट ओनली नो कार्ड्स प्लीज कीप योर शूज आउटसाइड ये पहले रेस्टोरेंट है वहाँ जहाँ पे जूता खुल गया है जाऊंगा दिस इज वे ही घर जैसा ही है ना ये बोलो सबसे फर्स्ट इसको भूख लग रहा था यही बोला सबसे पहले इसने बोला भूख लग रहा है तो यहाँ आ गया यहाँ बैठ गया और गुमसोंग नाच रहा है और यहाँ भाभी बैठा हुआ है और हम कैमरा का पीछे में यहाँ बैठ के खा सकते हैं और वहाँ खड़ा करके और खड़ा करके नहीं भाभी बैठ सकते हैं नॉर्मल बैठना और हम लोग नीचे गोल करके बैठना
लोकल राइस आ गया जो पत्ते में बना होता है। लोकल राइस है कि नहीं वो तो पता नहीं, देखती हूँ मैं। नहीं ऐसे नहीं होगा ना। यहाँ गया राइस, टोपला, इसको टोपला राइस बोलते हैं ना, टोपला भात। कहाँ में हम खाए थे तब टोपला बोला था। हाँ ये टोपला राइस है। सब मकाई सिंगफो भाषा से ना, सब मकाई, इसको सिंगफो भाषा से सब मकाई, सत मकाई, सिंगफो से इसे सत मकाई बोलता है और हम लोग उसको बोलते हैं टोपला खाना, टोपला भात। चलो 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 हो गया है। ये है चटनी, ये है आलू एंड चना। What is this? ये क्या है? दाल। और ये है लोकल समथिंग बॉयल, पता नहीं वो तीता गुटी है क्या। दे दो ना भाभी, इसको दे दो ना। ये है बैगन, ये बैगन, ये बैगन का चटनी। अभी हमारा मीट आना बाकी है, सब लोग सूखा खाना खाना स्टार्ट होंगे। पोर्क बॉयल और चिकन वहाँ पे, ये है चिकन। ये क्या, लेकिन ये तो जस्ट सूखा चिकन ना, लोकल चिकन, लोकल चिकन। हो गया, अभी खाने स्टार्ट करेगा। अभी पट्टा वाला, आई वोंट वेट। खत्म। खाने के बाद में ऐसा हो रहा है सब सबका। अच्छा था, नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड, अच्छा टेस्टी। दो एक टोपला आधा मैंने खाया, अच्छा था। तो अभी सब लोग खा के, जिस देख लिया आपने, सब लोग खा के लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे नामसाई के लिए। मिलती हूँ आप सबको। तो अभी हम लोग कौन से गांव में आए हैं, वहाँ से जेक का एक भाई को साथ में ले जाएंगे। तो यहाँ पे गांव है, लेकिन गांव का रास्ता अच्छा है यहाँ का। थोड़ी देर के लिए हो गया और यहाँ से पिक करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा नामसाई, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग ईटानगर वापस जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली, अभी तक फिक्स नहीं हुआ, लेकिन होगा। मैं यहाँ पे बस घूम ही रही थी ये बस्ती में, तो ये भाई का घर का बाहर में मुझे ये पत्ता मिला। पत्ता मीन्स ये पेड़, मेहंदी का पेड़। तो मैं अभी ये मेहंदी का पत्ता को तोड़ूंगी, उसके बाद ले जाऊंगी मैं ईटानगर और ग्राइंड करके मेहंदी लगाएगा। तो ये लीजिए, मिल गया। आवा 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 देखो तो आज ऑफिस इनॉग्रेशन करके फिर जेका दीदी के घर में जाकर खाना वाना खा के हम लोग आ चुके हैं। और मैं बिरसा भी चल चुकी हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग हम लोग वापस ईटानगर जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस ये कहना था। एंड जैसे मैं हमेशा कहते खुश है, खुश है बात है, नेक्स्ट ब्लॉग।